अब चलते हैं कानपुर और मिलते हैं प्रेरणा वर्मा से, जो कि एक युवा उद्यमी और निर्यातक हैं। सिर्फ 3,000 रुपये की छोटी सी रकम से इन्होंने काम शुरू किया था, वो भी चमड़े का, जहाँ सिर्फ पुरुष काम करते थे। और पुरुषों के भयंकरतम दबदबे वाले इस प्रोफेशन में उन्होंने अपना दखल बनाया। अपने हौसलों से आज ये 32 देशों में इनकी पहुँच है। प्रेरणा वर्मा जी, आप मुख्यमंत्री जी के रूबरू हैं, और जितनी यहाँ पर महिलाएं उसमें सबसे कम उम्र की शायद आप ही हैं। प्रेरणा जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। और सबसे पहले कानपुर की तरफ से मैं आपको नमस्ते कहूंगी, और मुझे आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। मैंने कारोबार बहुत यंग एज में, मतलब इवन मैंने जो जॉब करना स्टार्ट किया था वो मैं पढ़ाई कर रही थी तब से मैंने करना स्टार्ट किया था। और धीरे से मैं बिजनेस में आई, बिजनेस में मैंने बहुत से हर्डल देखे हैं, महसूस करे हैं, उसको भी मैंने अपने हिसाब से, अपने कॉमन सेंस से ओवरकम करके मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरा एक समस्या भी है, समस्या सभी की है, कॉमन समस्या है, साथ में सुझाव भी है। साथ में जैसे 1090 एक हेल्पलाइन नंबर है और 112 एक हेल्पलाइन नंबर है जिससे हम सभी को लाभ मिलता है, उसी तरीके से क्या ये पॉसिबल है कि उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार हम लोग के लिए जो कारोबार करना चाहती हैं या इवन चाहते भी हैं वो उस तरीके की काउंसलिंग के लिए, सिर्फ काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर चालू करे? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस उस समय क्या अभी भी ऐसा होता है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट भी होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो अगर इस तरीके की हेल्पलाइन स्टार्ट होती है तो हम सभी लोगों को उससे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो ये आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है, उसमें भी उसको उन योजनाओं पे भी काम कार्य करने ठीक है को प्रेरणा जी, आपकी बात समझ ली मुख्यमंत्री जी ने। अब आप उनको सुनिए, बहुत लोग हैं अभी लाइन में। देखिए, आप अच्छा कार्य कर रही हैं और आपने जो सुझाव दिया है, मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो पहले से ही चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी आपको है। जैसे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो मामला है, वीमेन पावर लाइन 1090 के बारे में, या घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन जारी की गई 181, ये इन सब के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने सीएम हेल्पलाइन भी जारी की है, 1076 है, जिसमें महिलाएं नहीं बल्कि प्रदेश का कोई भी नागरिक अपनी समस्या को उस लाइन के साथ जोड़ करके बता सकता है, और उसमें शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही मामले के निस्तारण का आधार माना जाता है। आपने जो बात कही है कि महिलाओं की काउंसलिंग के लिए भी हेल्पलाइन जारी करने के बारे में, यद्यपि हमने हेल्प डेस्क हर एक कार्यालय में इसके लिए पहले से तैयार किए हैं, हेल्पलाइन इसके बारे में नहीं, लेकिन हम लोगों के पास जितनी भी हेल्पलाइन हैं हम लोग इसमें से प्रयास करेंगे कि इसमें महिलाओं से जुड़े हुए या रोजगार से जुड़े हुए काउंसलिंग के जो कार्यक्रम होते हैं इसमें कैसे ये मदद कर सकती है, इसमें हम लोग एक बार प्रयास करेंगे। लेकिन आपने जिस फील्ड में काम करना प्रारंभ किया है, ये फील्ड महिलाओं के लिए एक अनजान सा फील्ड था, और ख़ास तौर पर लेदर इंडस्ट्री में इसके बारे में मान्यता थी कि ये पुरुष वर्चस्व का क्षेत्र है, लेकिन आपने उस वर्चस्व को भी तोड़ा है, आप उसमें भी कार्य कर रही हैं, रुचि ले रही हैं, मेहनत से अपने परिवार और अभिभावकों के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। हमारी शुभकामनाएं हैं, हिंदुस्तान ग्रुप ने आपके इस पूरे प्रयास को, उन्होंने न केवल सराहा है बल्कि इस मामले में उन्होंने आपको उन प्रदेश की कुछ चुनिंदा महिलाओं में से कुछ एक चुना है जो अच्छा कार्य कर रही हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अब आगरा की अपर्णा